कि जो बंदों को रोक रोक कर जगह जगह, जैसे कि 30 बंदे हैं तो एक एक 100 के हिसाब से 3000 रुपये तक का भी मदद करते हैं, बट उनको ये खाना ना दे करके एक मतलब बस का ही जुगाड़ कर दे जो कि 2-3 हज़ार रुपये में हो जाएंगे, ताकि वो अपने एक गंतव्य स्थान तक पहुंच सकते हैं, जहां से कि वो फिर पुनः कोई और मदद के रूप में जो दूसरा मदद करेंगे, ऐसे ना वो अपने मंजिल में पहुंच जाएंगे। अगर आप एक दो टाइम अगर ना खिलाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है, बट अपने घर में पहुंच जाए ना, फिर वो अपने परिवार के साथ खुशी से रहेंगे, बढ़िया से रहेंगे। मतलब जो खाना दे रहे हैं उनको इस तरह से मदद के साथ साथ, अगर वो 3000 का अगर सामान दे रहे हैं तो उसमें से वो ना थोड़ा सा कर दे चाहे, और उसके बदले में कोई बस का या किसी तरह का और कोई साधन कर दे। हाँ, साधन कर दे तो ही अच्छा है, प्रोवाइड करवा दे ताकि आप लोग अपने अपने स्थान तक पहुंच जाएं। जी, इसीलिए थोड़ा थोड़ा सामान ही दे, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसको उस मंजिल तक पहुंचाने के लिए थोड़ा ज़्यादा मदद कर दे तो और अच्छी बात है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि जो लोग अपनी सेवा कर रहे हैं, जो दिन रात लोगों के लिए बाहर आते हैं, लोगों को खाना परोस रहे हैं, सामान दे रहे हैं खाने के लिए, तो उसमें से थोड़ा सा हो सके कुछ 10 लोग, 20 लोग, 50 लोगों की अगर सुविधा करा सके उनको गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की, तो उस चीज़ को करा लिए, ताकि मज़दूरों का जो कहना है वो कि एक दिन वो खाने बिना रह सकते हैं, ताकि अगर अपने घर पहुँच जाएंगे एक दिन बाद तो वो सब अच्छे से स्वस्थ अपने घर पहुँच सकते हैं।